आपने एवरेज तो कैलकुलेट कर ही लिया है यहाँ पे, कर लिया ना। अब हमको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज में गलत फहमी हो जाती है कि तरीका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो मैनुअल परसेंटेज का कोई फंक्शन बना नहीं है एक्सेल में, तो अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू परसेंटेज लगाएंगे तो यहाँ पर परसेंटेज आपको दिखेगा नहीं, देखिए परसेंटाइल दिखेगा, परसेंटाइल अलग चीज है, परसेंटेज अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए टोटल में ही हमारा परसेंटेज छिपा होता है, ये टोटल है हमारा, इसी में हमारा क्या होगा? परसेंटेज छिपा होगा। तो टोटल को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल का सेल एड्रेस क्या है आप बताइए? तो टोटल का इसका सेल एड्रेस क्या है? 210 तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका सेल एड्रेस क्या है आप बताइए? H2 है। देखिए ऊपर क्या दिख रहा है? H, और ये क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो ये H2 हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो H2 आएगा। अच्छा, परसेंटेज कभी भी 100 पे निकलता है, किस पे निकलता है? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीपल, ये स्टार का साइन है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये तो बताया ही हमने, तो यहाँ पे 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जरा देखिए कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं कुल मिलाकर? अरे यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है ना। तो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 5 सब्जेक्ट 500 होगा, तो यहाँ 500 से इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितना एवरेज आया है उतना ही परसेंटेज भी आएगा, लेकिन ये हमने मैनुअल तरीका है निकाला है, ठीक है, और ये यहाँ पर बना बनाया फंक्शन से निकाल दिया है, ठीक है। तो दोनों है इसमें। अब यहाँ पर एंटर करिए, जैसे एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, और आने के बाद यहाँ से क्या करेंगे? ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, आ गया सबका। अब हमारे साथ दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जब भी हम देखना चाहते हैं या किसी का फीडिंग करना चाहते हैं या किसी का नंबर देखना है, तो इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं ना माउस से, माउस में एक स्क्रॉल का बटन है पहिए वाला, ये स्क्रॉल व्हील, तो ये जब जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं ना तो ये ऊपर चला जाता है, और हमें ये पता नहीं चलता है कि ये सब्जेक्ट 2 है, कि ये क्या है, कि ये क्या है, ये कुछ भी हमें पता नहीं लग पाता है। तो इसके लिए एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? यहां पर क्लिक करेंगे, यानी रो हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, और रो हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ व्यू पे जाएंगे, ठीक है। व्यू पे जब जाएंगे तो यहां पर मिलेगा फ्रिज पेन, क्या मिलेगा? फ्रिज पेन दिख रहा है, कहां पे जाना है आपको? फिर से दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो हम होम टैब पे थे, आपको जाना है व्यू टैब पर, और उससे भी पहले क्या करना है? इसको सेलेक्ट कर लेना है। क्यों इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसी के ऊपर हेडिंग है हमारी, और ये अगर मैं हेडिंग को सेलेक्ट कर लूं तो हमारा फ्रिज नहीं होगा, ये जिसको फ्रिज करना है उसके नीचे सेलेक्ट करिएगा। तो एक रिव्यू, एक व्यू है। हाँ, तो आपको व्यू पे जाना है, रिव्यू पे नहीं जाना है, ठीक है। तो व्यू पे जाना है, और व्यू पे जाके फ्रिज पेन पे जाना है, और फ्रिज पेन में जाके, और ये देखिए ये दिया है ना फ्रिज टॉप रो, टॉप में कौन है? ये वाला है ना। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं फ्रिज होता, तो इसीलिए मैं फ्रिज टॉप रो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक कर दिया जाए, क्लिक कर दिया, लेकिन इससे फायदा क्या मिला हमको? अभी तो कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए हम जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो अब देखिए हेडिंग हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है, नीचे कितना भी हम चलते चले जाए हेडिंग हमारी बनी हुई रहती है। तो ये फायदा है, हम हमेशा देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें क्या एंटर करना है, किसका क्या नाम है, या सब्जेक्ट 1 कौन सा है, सब्जेक्ट 2 वाला कॉलम कौन सा है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिज पेन है, ठीक है, और ये परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया डिसाइड होती है कि किसको क्या ग्रेड देना है, ठीक है। जैसे बच्चा अगर 85 नंबर या 85 नंबर से ज्यादा पाता है तो उसको A+ ग्रेड दे दिया जाए, 75 या 75 से ज्यादा लेकिन 85 से कम पाए तो A ग्रेड दे दिया जाए, अगर 65 नंबर तक पाता है और 65 से ज्यादा या 75 से कम पाता है, 65 से ज्यादा हो या 65 हो या 75 से कम हो, तो ऐसे में B ग्रेड हो जाए, तो ऐसा हमें देना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए दो प्रकार के फंक्शन यूज होते हैं, एक तो इफ यूज होता है, एक तो स्विच यूज होता है, ठीक है। एक तो इफ यूज होता है, दूसरा क्या यूज होता है? स्विच। फिलहाल हम इफ समझेंगे क्योंकि एक ही बार में सारा बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे इफ, तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले क्या लगाना है? बराबर का निशान, इक्वल टू का निशान, तो लगा दिया इफ, लगा दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें किसी एवरेज के बेस पे चलना है, पहले को अगर सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी सबका तो अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। तो इस एवरेज को सेलेक्ट कर लीजिए, इसका सेल एड्रेस क्या है? I11। इसका I11 है, I2 करिए ना। हाँ, तो देखिए ये I11 है ना, तो हमको I2 में जाना पड़ेगा ना, तो ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, गलती हो जाती ना, तो देखिए
इसको हटा दीजिए यहाँ पर और हम ऊपर चलेंगे I1 में, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। अब इसका सेल एड्रेस क्या बन गया, I2, ठीक है, आ गया। अब हम कहेंगे इस ग्रेटर, ये देखिए ये बड़े का निशान है, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन देख रहे हैं, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन, ये देखिए ये बड़े का निशान है। कहेंगे बड़ा हो या बराबर हो, I2 में रखी हुई वैल्यू, I2 में क्या है 42% है, 42 है, तो I2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 85 के, या तो 85 से बड़ी हो या तो 85 के बराबर हो, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आ जाएगा, डबल डॉटेड कॉमा में लिख देंगे A+, डबल डॉटेड कॉमा लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा A+ हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी में एक और इफ लगा लेंगे कॉमा देके, माने फार्मूले के अंदर फार्मूला लगा रहे हैं, एक फॉर्मूले के अंदर कई सारे वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, कैसे देखिए भैया, A++ होगा फिर A+ होगा, नहीं A+ ही रहने दीजिए, A+ ठीक है, A+ हो गया। अब यहाँ पे कॉमा दे देंगे, इफ दे दिया, यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए। इस बार क्राइटेरिया चेंज, पहले क्या कहा था, पहले कहा था कि बड़ा हो या बराबर हो 85 के, अब क्या कहेंगे, बड़ा हो या बराबर हो किसके, 75 के, ठीक है, कॉमा देंगे तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर इफ लगा देंगे, फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर कहेंगे बड़ा हो या बराबर हो, फिर कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पर तो 65 आ गया था, 75 आ गया था, अब क्या आएगा, 65 आएगा, तो 65 अगर हो या 65 से बड़ा हो लेकिन 75 से छोटा हो तो कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, ठीक है, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर इफ लगा दीजिए। इफ में दो कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं कि दुखी हैं, तो आपका जवाब एक होगा, या तो दुखी होंगे या तो खुश होंगे, ऐसा तो है नहीं कि दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज आपको खट्टी लगती है या मीठी लगती है तो आप बताएंगे ना कि खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है, हालांकि कई कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही लगने लगता है, लेकिन यहां पर एक ही कंडीशन होगी, ठीक है, और एक में या तो दो ही होगा ना, या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी, तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम अलग अलग इफ लगा रहे हैं, कई बार इफ लगा रहे हैं, तो इसी वजह से एक ही कंडीशन दे रहे हैं। देखिए यहां पर एक ही कंडीशन दिया, अगर ये वैल्यू I2 में रखी हुई वैल्यू 85 के बराबर हो या 85 से बड़ी हो तो A+ ग्रेड, अगर इफ I2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 75 के तो कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड, अगर I2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 65 के तो कौन सा ग्रेड, बी ग्रेड, और अगर इसमें रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके, सी के, नहीं आप कहेंगे 55 के, ठीक है, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, ठीक है, डबल कॉमा में सी लिख दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, डी ग्रेड करना है। अच्छा, डी ग्रेड के बाद देखिए इफ में अगर लास्ट में इफ आएगा तो दो कंडीशन देनी होती है, ट्रू की भी और फॉल्स की भी, ठीक है, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर मान लीजिए कि इसमें रखी हुई वैल्यू यहां पर देखिए बड़ी हो या बराबर हो 50 के, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 50 से छोटी हो सकता है ना, तो देखिए यहां पर अगर बड़ी हो या बराबर हो तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, डी ग्रेड आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि उससे छोटी हो जाए तो हम कह देंगे कि अगर 50 से कम है नंबर तो बच्चा क्या हो जाएगा, एफ ग्रेड पाएगा, एफ माने फेल ग्रेड, कौन सा ग्रेड, फेल ग्रेड। अच्छा, कितना इफ लगाया है, काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 ब्रैकेट क्लोज होंगे लास्ट में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5। अब आपको क्या करना है, सीधा एंटर कर देना है। तो देखिए ये 50 से कम पाए हैं तो ये क्या है, फेल है, एफ ग्रेड आ गया है। और यहां से अगर इसको मैं ड्रैग करवा लेता हूं नीचे की तरफ तो आप देखेंगे कि सबका आ जाएगा, इससे आ गया, कोई डी ग्रेड है, कोई सी ग्रेड है, कोई एफ ग्रेड है, देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये सबका आ गया है, देख लीजिए आ गया है सबका, कहीं कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ गया पूरा, समझ में आया, ठीक। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं इस पूरे शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दें, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको सेव कर देते हैं, जैसे इसे मैंने सेव कर दिया, यहाँ से ये बुक वन के नाम से सेव हुआ है, तो अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको दोबारा से कोई अगर ओपन करना चाहे तो बड़े ही आसानी के साथ ओपन कर सकता है, कर सकता है ना, कैसे देखिए, यहाँ पर जाएगा वो एक्सेल सर्च करेगा और एक्सेल सर्च करके जैसे ही ओपन करेगा तो ये दिखेगा उसको, तो क्लिक कर देगा और क्लिक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा तो इसमें कुछ छेड़छाड़ भी कर सकता है, इधर उधर भी कर सकता है, नंबर घटा बढ़ा सकता है, तो ऐसा वो न कर पाए तो इसके लिए पासवर्ड लगा सकते हैं, भले ही वो देख पाए लेकिन इसमें कुछ चेंजेस न कर पाए, इसमें कोई बदलाव न कर पाए।
तो आप क्या करेंगे, पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, पूरे शीट को ही सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, हम पूरे शीट को ही क्या करेंगे प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो सेलेक्ट करके क्या करना है, रिव्यू टैब, ये देखिए ये रिव्यू दिख रहा है, इस पे जाना है आपको और यहां पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट शीट, यहां पर ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है, तो वर्कबुक को हमें प्रोटेक्ट नहीं करना, हम खाली इसी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये शीट है हमारी, कौन सी शीट है, शीट नंबर 2, ठीक है। अब प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, अब ये देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ये कह रहा है लॉक्ड सेल अनलॉक्ड सेल, क्या इनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो हम यस करेंगे और यहां पर पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पासवर्ड डालते हैं क्या होता है, यहां पर पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है, और यहां पर ओके कर देते हैं। अब ये कहेगा उसी पासवर्ड को दोबारा से एंटर कीजिए, तो वही पासवर्ड मैं दोबारा से दे देता हूं और ओके कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसे हटा रहा हूं तो क्या ये हट रहा है, देखिए क्या ये हट रहा है, कुछ भी हो रहा है इसमें, कुछ भी आप टाइप करिए, कुछ भी यहां पर टाइप करिए, कुछ भी ये करने दे रहा है, नहीं करने देगा। कब ये करने देगा, जब आप पासवर्ड डालेंगे तभी आपको ये करने देगा। जैसे मान लीजिए इसको आपने बंद कर दिया, सेव करके बंद कर दिया आपने, अब मान लीजिए कोई आया अगला पर्सन और इसको ओपन किया और सोच रहा है कि इसी में हम चेंजेस कर ले, अपना नंबर बढ़ा ले, तो क्या करेगा वो, यहां पर आएगा क्लिक करेगा तो नंबर वे नहीं बढ़ेगा, देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पाएगा वो, देखिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो पासवर्ड चेंज कैसे करेगा, जब मालूम रहेगा तब ना चेंज करेगा, ठीक है। तो यहां पर जाएंगे और फिर देखिए अनप्रोटेक्ट शीट दिया है तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, बिना पासवर्ड के ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो जो पासवर्ड है वो डालिएगा तब जाके ये अलाउ करेगा कि आप इसमें चेंज करिए, हटाइए उठाइए, ठीक है, नहीं तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए ये जो सेल एड्रेस है ना, आपको समझाया था, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, अगर यहाँ पर आप, यहाँ पर आप 98 लिख देते हैं तो ये ग्रेड अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप चेंज होता रहेगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगा दिया है ना, फंक्शन लगा दिया है, तो अब ये अपने आप चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए गलती से आपने 30 दे दिया है, 90 देना था 30 दे दिया, तो यहाँ पे जैसे ही 90 करके एंटर करेंगे ना, तो ये अपने आप चेंज, ग्रेड भी हो गया, 70 हो गया, सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, ये एक्सेल की खासियत है, समझ में आया। अब इसके बाद इसको जब सेव करेंगे और फिर भी आप चाहते हैं कि सेव करते वक्त ही इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया जाए, शीट तो हमने पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया ही, अब हम चाहते हैं ये फाइल भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाए, इसको कोई खोल ही ना पाए, तो क्या करेंगे, तो फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे, ये सेव एज दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए और इसको हम डेस्कटॉप पे चलिए सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे गए और जैसे डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये टूल्स नजर आएगा, इस पे जाइएगा, जनरल ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पासवर्ड डालिएगा, ये पहला पासवर्ड और यहाँ पे दूसरा वाला पासवर्ड आएगा, दूसरा, ठीक है, एंटर करिएगा। अब फिर पूछेगा पहला वाला क्या डाला था आपने, वो डाल दीजिए और दूसरा वाला डाल दीजिए और ये एंटर कर दीजिए, तो ये आपका पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो गया और यहां से इसको सेव कर दीजिए। जब आप इसे खोलेंगे तो फिर ये पासवर्ड मांगेगा, जैसे ये हमारा फाइल है, ठीक है, और इसको डबल क्लिक अगर हम करके ओपन करते हैं तो बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा,